चलो देखो 15 नंबर। समीकरण तक बता दिए थे ना, बताए थे। देखो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया जाए तो dx ऑफ x माइनस r का स्क्वायर, फिर dx ऑफ y माइनस r का स्क्वायर बराबर dx ऑफ r का स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये तुम्हारा पहले कोष्ठक से शुरू हुआ, मतलब घात का अवकलन बनेगा पहले, तो इसको क्या करना होगा, हमें मानक मानना होगा और इसमें इसको मानक मानना होगा। तो हुआ क्या, इसकी घात आगे आएगी और घात में से एक घट जाएगा, लेकिन साथ में अवकलन हमको किसका करना पड़ेगा, x माइनस r का करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसमें घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, लेकिन तुरंत अवकलन जिसको मानक माने हैं उसका करना पड़ेगा, और बराबर इसका क्या हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा। तो देखो ये बचा तुम्हारा टू ब्रैकेट में एक्स माइनस आर बचा, और फिर इसमें एक्स का अवकलन एक, आर का 0, प्लस टू ब्रैकेट में बचा वाई माइनस आर, और उसके बाद इसमें वाई का करोगे तो डी वाई डी एक्स और आर का क्या 0 होगा ना, और इधर बराबर भी 0। दोबारा तो अवकलन करना नहीं है, अवकलन तो करना एक कई बार है, और हमको यहीं से अब क्या करना होगा, r का मान निकाल ले तो काम हो जाएगा ना, ऐसे होगा। देखो ये 2x माइनस 2r हो जाएगा, और प्लस ध्यान से देखना 2 का गुणा y में तो होगा ही, साथ में ये dy dx भी है ना गुणा करने के लिए, यहां तो एक का गुणा हुआ कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए उसको छोड़ दिए सीधे, इसका गुणा भी इसमें करना होगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 2y dy dx होगा ना, और माइनस 2r उसके बाद dy dx बराबर 0। हमको r की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने कहा है अवकल समीकरण बनाते समय r को खत्म करते हैं, ठीक, तो खत्म करो, क्या हो जाएगा, यहां से तुम दोनों 2r माइनस है ना, इन दोनों को उधर भेज दो, तो हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2y dy dx बराबर 2r प्लस 2r dy dx, देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये देखो, यहां से तुम दो कॉमन कर लो तो x प्लस y dy dx हो जाएगा, और बराबर बराबर क्या होगा जी, इधर से 2r कॉमन कर लो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा dy dx, 2 से 2 इसमें कट गया, r को रोक लो, इसको इधर भेज दो, तो r बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y dy dx अपॉन 1 प्लस क्या dy dx, यही हमारा r की वैल्यू है, सभी r की जगह इसी को रख देना है, कहां समीकरण 1 में, हो जाएगा, छोटा होता है बड़ा। देखो क्या दिया ऊपर, उत्तर क्या दे रहा है, हल करना पड़ेगा फिर से, नहीं जब उतना बड़ा है तो हल तो करना ही पड़ेगा, इतना बड़ा तो छोड़ नहीं सकते। नोट करो, देखो आगे हल कर रहे हैं, इतना नोट करो, हल
हल करना होगा, छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना उत्तर। हाँ लाता ले लो, खत्म हो जाएगा। देखो अब समीकरण एक से करेंगे, आर का मान रखने पर दिख रहा है, ध्यान देना इधर, यक्स है माइनस आर का मान है यक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स और बट्टे वन प्लस डी वाई डी एक्स, इसका क्या है जी होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस ध्यान देना एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स अपॉन वन प्लस क्या डी वाई डी एक्स और बराबर इसका तुम्हारा बचा आर की जगह एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स और नीचे वन प्लस डी वाई डी एक्स का क्या स्क्वायर। यहां पे ले लो लासा, क्या लासा ले सकते हो जी वन प्लस डी वाई डी एक्स लासा ले सकते हो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है ना एक्स के नीचे, तो इसमें पूरा गुणा होगा तो x प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, कोई गलती, और उसके बाद माइनस या बाहर देखो माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या कर देंगे बदल देंगे, ध्यान देना बदलेगा और इसका पूरे का क्या कर देना है वर्ग कर देना है, फिर इसमें लसा लेंगे वन प्लस डी वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा जी इसमें y का गुणा होगा तो y प्लस वाई डी वाई डी एक्स देख रहे हो, और उसके बाद माइनस x और बाहर माइनस है तो अंदर का फिर चिन्ह बदल देंगे y डी वाई डी एक्स, इसका क्या हो गया स्क्वायर, और इधर तुम्हारा बचा ही है x प्लस वाई डी वाई डी एक्स वन प्लस डी वाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इधर इस पे वर्ग लगा है ना, मतलब अंश का भी वर्ग होगा और हर का भी वर्ग होगा, इसमें अंश का वर्ग होगा और हर का वर्ग होगा, इसमें भी अंश का वर्ग होगा और हर का वर्ग होगा, होगा निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसके हर में तुमको वन प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, इसके हर में भी वन प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करो इसको कॉमन कर लो बाहर, और जब कॉमन कर लोगे तो कॉमन क्या होगा वन प्लस डी वाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर कॉमन होगा, तो अंदर क्या बच जाएगा देखो इसमें x से x कट गया ना, बाकी बचे हुए में से तुम क्या कॉमन कर लो डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो तो क्या बच गया जी x माइनस वाई और इसका क्या बच गया स्क्वायर बचा, और फिर प्लस इसमें यही कट गया दिखाई दे रहा है, तो बचे हुए में से इसमें y है फिर माइनस x है, हमारे पास यहाँ पहले क्या था x माइनस वाई, इसमें y माइनस x है, उसमें से भी माइनस कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा x माइनस वाई बच जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और पूरा कोष्ठक इतना बड़ा लगा दिए बेचारा, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगाओ, इसको मझला कोष्ठक लगाओ, इसको भी मझला कोष्ठक, इसको भी मझला कोष्ठक, तब ये बड़ा कोष्ठक, और बराबर इधर देखो तो क्या बचा हुआ है x प्लस वाई डी वाई डी एक्स का क्या स्क्वायर ऊपर और नीचे वन प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, देखो इधर भी नीचे दिख रहा है यही, इधर भी नीचे यही दिख रहा है, मतलब बराबर के दोनों तरफ वही है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा ना, अब देखना क्या बचा x माइनस वाई का स्क्वायर इसमें भी है, x माइनस वाई का स्क्वायर इसमें भी, क्योंकि ये माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो क्या कर सकते हो इसको अब इसमें से x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा इसमें क्या बचा जी डी वाई डी एक्स बचा और इसका क्या बचा स्क्वायर, और इसमें कुछ बचा नहीं, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, x माइनस वाई पूरा निकल गया कुछ नहीं, तो क्या बचेगा एक, और इधर क्या बच जाएगा x प्लस वाई डी वाई डी एक्स का क्या बच गया
होल स्क्वायर बच गया, नीचे वाला तो कट चुका है दोनों का, दिखाई दे रहा है ना, नोट कर लो तब। इतना खतरनाक सवाल देने का जरूरत है? इसमें भाई एक तो साइन कॉस वाला याद रखो, उसी से काम चल जाएगा तुम्हारा। जो 8 नंबर सवाल है, देखो 17 नंबर कहता है कि उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं, कुछ इस तरह से जी। देखो यहां से ये तुम्हारा यक्ष अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब एक वृत्त है जो इसको स्पर्श कर रहा है, किसको? वाई अक्ष को। कहां पर? मूल बिंदु पर। ऐसे जाएगा सर, जाएगा ना, दिखाई दे रहा है। और यहां से यहां पर केंद्र होगा इसका, और ये दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या R कहलाएगी, त्रिज्या R, दिखाई दे रहा है। तो O का निर्देशांक क्या होगा जी? O किस अक्ष पर है? यक्ष अक्ष पर है ना। जब यक्ष पर होते हैं तो Y वाला 0 होता है और यक्ष वाला कितना चले? हो R चले, है ना। वैसे लिखेंगे, माना त्रिज्या बराबर आर, तो वृत्त के बारे में त्रिज्या आर तो हमने माना है, देख रहे हो, ये अचर हो गया। इसी से हमारा केंद्र भी निकल जाएगा, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि वृत्त वाई अक्ष को कहां पर स्पर्श करता है? मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। इसलिए केंद्र किस अक्ष पर होगा? यक्ष अक्ष पर होगा। कहां होगा जी? यक्ष अक्ष पर होगा, होगा ना। तो इसलिए केंद्र क्या हो गया? केंद्र हम लोग मानते क्या है जी? एच कॉमा के, क्या हो गया ये? आर कॉमा जीरो। इसलिए वृत्त का समीकरण क्या सूत्र जानते हो जी? समीकरण का x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, एक बार करके निकाल के रख देना बस। एक ही बार अवकलन करोगे ना इसका? क्यों एक बार करोगे? क्योंकि एक अचर दिखता है r, ठीक है ना, उससे आसान है ये।
क्यों उससे आसान है? क्योंकि उसमें दोनों जगह आर था तो कॉमन करना पड़ा। इसके पहले वाला जो सवाल बताया 15 नंबर, चलो देखो अब आ जाते हैं प्रश्नावली 9C, जिसमें कुछ खास नहीं है, समझ गए? कुछ खास मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा समीकरण भी है, उसका आंसर भी है। अर्थात पिछले सवाल में जो इक्वेशन हमको दिए जाते थे, उनसे हम आंसर देखने के लिए उत्तरमाला में जाते थे। इस बार प्रश्न भी यही है, उत्तर भी यही है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। जैसे पिछले अभ्यास में हल करके उत्तर ले आ रहे थे ना, क्योंकि उत्तर हमारे पास नहीं था, उत्तर माला में जाके देखना था, पहले उत्तर लाएंगे तभी तो उत्तर माला देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न भी तुम्हारे पास है, उत्तर भी तुम्हारे पास है, निष्कर्ष पहले अवकलन कर लो, और अचर पद को गायब नहीं कर पा रहे हो तो और खुश हो जाओ। जो नीचे उत्तर दिया उसे मान रख दो, खून कट पिट के अपने आप ही जीरो हो जाएगा, अगला वाला पक्ष आ जाएगा, खत्म काम, समझ गए? निष्कर्ष एक सवाल हम लोग देखते हैं, तरीका समझा देते हैं, बाकी का काम तो करना तुमको ही है। जैसे पहला सवाल ही देख लिया जाए, दूसरा देखें मतलब फंसाओगे उनको। चलो दूसरे देख लो। वाई बराबर दिया है जी ई की पावर 2x, कह रहा है कि दिखाइए कि वाई बराबर ई की पावर 2x अवकल समीकरण d2ydx² प्लस dydx माइनस 6y इज इक्वल 0 का एक हल है। निष्कर्ष ये सवाल है हमारा, और उसके बाद उसके नीचे इसका अवकल समीकरण दिया गया है, जो d2ydx² है प्लस dydx है, माइनस कितना y है, 6y है, इज इक्वल 0, समझ गए? तो करना क्या है उसमें, तो पहले देख लो जो तुम्हारा अवकल समीकरण है कितनी बार अवकलन हुआ है उसमें, दो बार अवकलन हुआ है ना, पहले तुम इसका दो बार अवकलन कर लो, तब आगे बात करेंगे। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन तो क्या होगा जी, dy dx, इधर ध्यान देना, ddx था e की पावर 2x। पहले तो इसमें इसको क्या करना होगा, हमें मानक मानना होगा, क्योंकि अवकलन हमने केवल किसका पढ़ा है, e की पावर x का पढ़ा है, दिखाई दे रहा है ना, तो x की जगह जो भी दिखा उसको मानक मान के इसका अवकलन सूत्र की तरह कर दो। जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, वैसे e की पावर 2x का e की पावर क्या हो गया, 2x हो गया, लेकिन तुरंत ddx आप किसका कर देना है, जिसको मानक माने थे, तो e की पावर 2x इंटू यहाँ पे 2 और x का अवकलन a, तो क्या बच गया जी, dy dx बराबर 2 e की पावर 2x हो गया ना। उसके बाद पुनः अवकलन, क्योंकि दो बार करना है, तो ddx ऑफ dydx, इधर दो बाहर, ddx ऑफ e की पावर क्या जी, 2x, फिर से वही काम, मतलब ये हो गया हमारा d2ydx² बराबर दो बाहर, इसमें फिर से इसको क्या करना है, मानक मानना है ना, तो देखो एक बार e की पावर 2x लिख दे और दो बाहर होगा और x का अवकलन है किसकी तरह, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इस बार। अब क्या हुआ, d2ydx² बराबर बच गया 2 दूनी 4, e की घात कितना 2x, दोनों आ गया। अब आ जाओ, चूंकि अवकल समीकरण, या चूंकि ऐसे लिख दो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, d2ydx² प्लस dydx माइनस 6y बराबर 0, पकड़ लो इसका एलएचएस और रख दो सम्मान। d2ydx² क्या है जी, 4e की पावर 2x, और ये क्या है, 2e की पावर 2x, और ये है 6e की पावर 2x, खुद कट पिट गए, दिखाई दे रहा है, 5 4 2 6 में 6 गया 0 बराबर, अब
आरएचएस प्रूफ, तो कुछ करना ही नहीं है, हो गया ना। कहने का मतलब जो सवाल दिया है उसका अवकलन कर लो, कितनी बार, जितनी बार सवाल में दिख रहा है, और उसके बाद अवकलन करने के बाद उसी में उठा के धर दो, तब मिल जाएगा तुम्हें, बस खत्म, हो गया अभ्यास समाप्त। मतलब प्रश्नावली 9 सी खत्म हो गया, कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9 डी, 9 ई और 9 य, तीन अभ्यास पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सवाल यहीं से बनेंगे। सवाल प्रश्नावली 9 डी, 9 ई और 9 य से ही बनेगा, 9 सी से सवाल मिलने की संभावना नहीं है, मिला भी तो सिंपल है, बी से एक या दो सवाल का जो बताए हैं वो तैयार कर लो, मतलब इतना नोट में लिखवा दिए उसको केवल तैयार कर लो, बाकी आगे जरूरत ही नहीं है। प्रश्नावली ए से जो है तुम्हारा बहुविकल्पी में सवाल आते हैं 1 नंबर का, जैसे पूछ लेगा कोटि क्या है, घात क्या है,